अजय टंडन सिलीगुड़ी फाइट कोरोना का सदस्य हूँ। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट कोविड केयर नेटवर्क सिलीगुड़ी फाइट कोरोना के सौजन्य से आज एक रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर के लिए हमने उनको आवेदन किया था कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो ब्लड डोनेशन जो कैंप होते हैं वो बहुत कम गए हैं, तो किसी को आगे आना पड़ेगा, तो पुलिसकर्मी बहुत सक्रिय होते हैं। हमने कहा था कि पुलिसकर्मियों के द्वारा आप इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए आप तैयार हुई और वो हमारी बात माने हैं और तीनों के सहयोग से आज का कार्यक्रम अभी चल रहा है। अब तक प्राय 70-75 या 80 यूनिट कंप्लीट हो चुका है और 120-130 हम शायद आराम से शाम तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद देना चाहूँगा, कमिश्नर साहब आए थे, उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम आज सुंदर चल रहा है और आगे भी ये बीच बीच में हमारा कार्यक्रम चलता ही रहता है। नाम बता दीजिए। डॉक्टर संदीप शंदी। क्वेश्चन पूछिए। देखिए, आज कोविड केयर नेटवर्क सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट एंड सिलीगुड़ी फाइट कोरोना के तरफ से हम लोग इकट्ठे होके ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया। ये आप लोगों को पता है, वो उत्सव का मौसम है, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं उत्सव मत कीजिए, ओनली रिचुअल्स कीजिए, पूजा कीजिए इस साल। तो इस सिचुएशन में हम लोग जो चाहते हैं, जो ब्लड बैंक का रक्तल्पता या एनीमिया ना हो, तो सिलीगुड़ी जिला अस्पताल और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में हम लोग जितना ज़्यादा हो सके ब्लड जमा करना चाहते हैं। तो इसलिए पुलिस समाजकर्मी हम लोग भी रक्तदान किए हैं, तो अभी तक 45 यूनिट्स तो कलेक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ हम लोग 100 से ज़्यादा यूनिट्स दे पाएंगे ब्लड बैंक में। और हम लोग ये और भी ये बताना चाहता हूँ, जो इस बार हम लोग सामने काली पूजा है और दिवाली है, तो दिवाली में हम लोग हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, जो इस बार बाजी या फायर क्रैकर्स मत फोड़िए, कारण इसमें कोविड स्प्रेड हो सकता है और कोविड बीमारी से उबर के आया जो है, जिसका पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस हो चुका है, उनके लिए घातक हो सकता है। तो इस बार
लाइट के उत्सव या आलोक का उत्सव मनाइए और शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। तो यही हम लोग चाहते हैं, अवेयरनेस के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप हमारा जो है, ये जब ये देखा गया है फेस्टिव सीजन में ब्लड डोनेशन कैंप कम होता है, तो इसको नज़र रखते हुए हम लोग ये ऑर्गेनाइज किए।